देखिए हम लोग जा रहे हैं हीट एक्सचेंजर का पीपीएम करने के लिए। हीट एक्सचेंजर में बिल्डिंग लाइन में स्टेनर लगा हुआ था। देखिए ये पूरा वाल हमको क्लोज करना है, दोनों वाल अच्छे से क्लोज कर लेना है। उसके बाद हम लोग स्टेनर को ओपन करते हैं, क्लाइडिंग खोलते हैं, ओपन करते हैं। देखिए ये बिल्डिंग से रिटर्न लाइन आ रहा है जिसमें ये लगा हुआ, देखिए स्टेनर लगा है जिसके ऊपर क्लाइडिंग किया, क्लाइडिंग हम लोग ओपन कर लिया है। ये बिल्डिंग का रिटर्न है लेकिन हीट एक्सचेंजर के लिए ये सप्लाई लाइन है देखिए। और ये इधर से देखिए सप्लाई, ये बिल्डिंग का सप्लाई है, हीट एक्सचेंजर का रिटर्न है। इसको हम लोग क्लाइडिंग को देखिए ओपन कर लिए, इसको हम नट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग उसको ओपन कर लिए हैं, अभी हम स्टेनर को निकाल रहे हैं बाहर। वाइस्टेनर फिल्टर निकाल लिए। देखिए निकालने के बाद देखिए इसमें कितना कचरा है, देखिए अंदर से कितना कचरा हुआ है। देखिए उसके अंदर से ही देखिए कितना कचरा इसमें भी फंसा हुआ था। ये हम लोगों को लाइन क्लियर करना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग के एफसीयू में कूलिंग का इशू आएगा। लाइन सही करना है, तो ये फील्ड वाटर जो है कूलिंग होकर अपार्टमेंट में जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके लिए देखिए ये हमारा वाइस्टेनर है, कूलिंग का इशू हो जाएगा अपार्टमेंट में, इसके लिए हमको बराबर क्लीन करना चाहिए। उसका वाल क्लोज करने के बाद उन्होंने देखिए इधर से हम लोग वाल ओपन करके ड्रेनेज कर लेंगे पानी, लाइन का पानी जो है, और प्रेशर डाउन कर लेंगे। उसके बाद ही हम नट को खोलेंगे, नहीं तो नहीं ऐसा कर लेंगे। अगर डायरेक्ट खोल लेंगे तो एयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उससे हमको चोट भी लग सकता है। देखिए स्टेनर को हम लोगों ने स्टेनर फिल्टर को पूरा क्लीन कर दिया है देखिए अच्छे से। अब इसको हम लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है आपको। फिर निकालने के बाद इसको अच्छे से पहले हम लोग क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो गैसकेट होता है सील जो लगाएंगे मान लीजिए वो लीकेज ना हो, अच्छे से बराबर बैठना चाहिए। उसको अच्छे से क्लीन करके लगाएंगे, और इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ये वाले हिस्सा को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसको भी देखिए अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही लगाएंगे। अच्छे से क्लीन करने को जितना मॉइस्चर या कुछ भी है उसको क्लीन करके फिर गैस की डाल के फिर हम लोग डालेंगे। ताकि इसको भी हम लोग अच्छे से क्लीन कर लिए हैं, अब स्टेनर को अंदर डालेंगे। देखिए अभी हम लोग स्टेनर क्लीन कर लिए हैं, अब स्टेनर को अंदर उसके ग्रुप में डाल के उसको फिटिंग करेंगे अच्छे से। देखिए ऐसे घुमा के रख कैसे डालेंगे, बराबर चल जाएगा। इसको बराबर बैठाएंगे तभी कैप को अच्छे से बंद होगा, तो बंद नहीं होगा। देखिए अभी बाहर दिख रहा है, अभी देखिए अंदर चला गया पूरा अच्छे से। अब इसको हम लोग बंद कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग बराबर ऐसे फिटिंग करके बराबर बैठना चाहिए, बराबर बैठने के बाद ही नट को टाइट करेंगे। टाइट करने का इसका प्रोसेस भी है, उसको आपको दिखाते हैं। एक नीचे से और एक ऊपर से टाइट करते हैं बराबर। देखिए अभी हम लोग बोल्ट को फंसा दिए हैं, अभी टाइट करने का प्रोसेस देखिए। एक हम इसको टाइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको टाइट करेंगे, ज़्यादा एक बार में पूरा एक जगह से नहीं टाइट करेंगे, उसको इसको टाइट करेंगे, फिर इधर साइड में टाइट करेंगे। ऐसे इस टाइट करने का प्रोसेस होता है। एक बार में एक नट को टाइट कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे, तो दूसरे साइड में गैप बन जाएगा। गैप बनने की वजह से आप परेशान हो जाएंगे, बार बार लीकेज आएगा। इसके लिए इसको बराबर टाइट करें। उसके बाद जो हम लोग ड्रेनेज के लिए वाल ओपन किए थे इसको बराबर क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद ही लाइन को चालू करेंगे, नहीं तो बिल्डिंग का पानी बहुत प्रेशर से आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। देखिए इसको हम लोग पूरा फुल टाइट कर दिया है, अभी देखिए वाल ओपन करने जा रहे हैं। हमको पहले ये रिटर्न बिल्डिंग का सप्लाई लाइन का वाल ओपन करना है, क्योंकि वो ओपन करेंगे इधर से वाटर जाएगा नीचे, अंदर जाने के बाद जो हीट एक्सचेंजर में एयर रहेगा वो ऊपर से जाने के बाद उधर से हम उसको रिलीज करेंगे। तो लाइन को आराम से खोलना है, देखिए साउंड आ रहा है, आराम से खोलेंगे। साउंड आ रहा है, लाइन का एयर निकालने के बाद पूरा लाइन के से एयर निकाल देंगे, उसके बाद भी हम लोग जैसे पूरा लाइन से एयर निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा वाल ओपन करेंगे। दोस्तों देखिए इस पर कुछ कपड़ा रख देंगे जिससे एयर आराम से निकलेगा, पानी का छींटा नहीं आएगा ऊपर। कपड़ा रख के एयर निकालेंगे। दोस्तों हमको लगता है कि हम वीडियो बनाए आपको समझ में आया होगा, आपको जैसा लगता है जैसे आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हम और अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करेंगे।